हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश रंजन आप सबका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको बहुत कम लोग ही जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा होगा, वो किस टॉपिक के ऊपर है। आज हम लोग बात करेंगे 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी के वो 8 डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी के बारे में। दोस्तों, 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी क्या है? तो जो ये 8 डायमेंशंस है, ये आपके प्रोडक्ट के साथ साथ आपके कंपनी के ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि जो भी आपका प्रोडक्ट सेल होगा तो वो आपकी कंपनी के नाम से भी रिलेटेड होगा। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स होता है मार्केट के लिए, जिससे आपके प्रोडक्ट को प्रमोशन करने में आसानी मिलती है। बाजार में कंपिटेटिव बने रहने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस में लगातार सुधार करते रहने की आवश्यकता होती है। जो अमेरिका और ग्लोबल मार्केट में जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत हद तक बढ़ गया है। सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट और सर्विस में लगातार सुधार कर रही है और मार्केट में बने रहने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, जैपनीज कंपनियां लंबे समय से TQM का अभ्यास करती आ रही है, जो कि महत्वपूर्ण कारक है उसको वो आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनाने के लिए। दोस्तों, फॉर एग्जांपल समझते हैं, आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, जैसे कार या मोबाइल, कोई भी प्रोडक्ट लिया हो, आप देखते हैं कि कुछ दिनों बाद आपके जैसा सेम जो आपने मॉडल ब्रांड लिया है उसके जैसा ही मार्केट में कुछ दिनों बाद एक और लॉन्च होता है, जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दिखाया जाता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है, ताकि थोड़ा सा अलग किया जाए उससे, ताकि आपकी प्रोडक्ट की बिक्री मार्केट में होती रहे। आपने मारुति सुजुकी का अल्टो कार देखा होगा, वो बहुत पहले जब डेवलप हुई थी तो वो किस तरीके का लुक था, उसका किस तरीके से बनावट थी, लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे वो उसका लुक अलग ही चेंज हो गया है। तो ये जो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते रहता है, निरंतर बदलाव किए जाते हैं क्वालिटी के साथ अपने प्रोडक्ट में, तो ये इसलिए किए जाते हैं ताकि आप मार्केट में बने रहें, अपने प्रोडक्ट सर्विस से आप लोगों को अपनी तरह आकर्षित करते रहें, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदें। 8 डायमेंशंस का यूज स्ट्रेटेजिक लेवल पर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करने के लिए किया जा सकता है। 8 डायमेंशन कंसेप्ट को डेविड ग्रेविन ने इंट्रोड्यूस किया था। जो 8 डायमेंशन है वो इस प्रकार है, चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। दोस्तों, जो पहला डायमेंशन है वो है परफॉर्मेंस, जिसको हिंदी में प्रदर्शन बोलते हैं। परफॉर्मेंस क्वालिटी के वो 8 डायमेंशन में से एक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परफॉर्मेंस के आधार पर क्वालिटी को डिसाइड करके प्रोडक्ट की बिक्री की जाती है, जिसमें अधिकांश ग्राहक प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी क्वालिटी को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लें, आपने टेलीविजन खरीदा, टेलीविजन में आप उसकी वीडियो क्वालिटी देखते हैं, ऑडियो क्वालिटी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका आई कंफर्ट देखते हैं, आई आँख के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ये सारे परफॉर्मेंस के एग्जांपल हैं, जिसके आधार पर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखा जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो आप एक्सीलरेशन देखते हैं, माइलेज देखते हैं, ETC, ये सारे परफॉर्मेंस के एग्जांपल हैं। दोस्तों, जो दूसरा डायमेंशन है वो है फीचर। फीचर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्रोडक्ट और सर्विस के बेसिक परफॉर्मेंस को प्रदर्शित करता है, सपोर्ट करता है। जो फीचर होते हैं, जैसे कोई भी आप ले लो, फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं मोबाइल, आप मोबाइल लेते हैं, पहले आपने देखा होगा मोबाइल में क्या था, जहाँ से आप लोग ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करते हैं वहाँ पे प्लस माइनस देखा था आपने, कि प्लस करेंगे तो ज़्यादा होगी, माइनस करेंगे तो कम होगी। लेकिन आज के जो मोबाइल में आ रहे हैं, आपने देखा होगा प्लस के बाद, प्लस साइन के बाद वहाँ पे लिखा रहता है ए, वो क्या है, वो है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन। अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो
आपके लाइट के अनुसार उसके ब्राइटनेस को कंट्रोल कर देता है। तो यह है फीचर के एग्जांपल। दोस्तों जो तीसरा डायमेंशन है वो है रिलायबिलिटी, विश्वास दिलाना। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके फंक्शन पर भी निर्भर करती है, जो फंक्शन है या जो प्रोडक्ट है उसके फ्यूचर पर भी निर्भर करती है कि वो कब तक चलेगा, क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि फेलियर कब आता है। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उन्होंने अपना विश्वास जता रखा है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत लंबे समय तक चलेगा। जैसे कि एग्जांपल में मान लें आप एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इनके जो प्रोडक्ट आते हैं वो बिल्कुल ही मतलब एक विश्वास जगा दिया है इन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के मार्केट में, और इनके प्रोडक्ट वाकई अच्छे भी होते हैं। तो ये है रिलायबिलिटी के एग्जांपल। दोस्तों चौथा डायमेंशन है कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड या डिजाइन स्पेसिफिकेशन एस्टेब्लिश किया गया था, क्या वह प्रोडक्ट उसके स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखा जाता है इसमें। दोस्तों जो पांचवा डायमेंशन है वह है ड्यूरेबिलिटी, सहनशीलता। आपके प्रोडक्ट की सहनशीलता कितनी है इसको हम लोग वारंटी से भी मेजर करते हैं कि आपके प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ मतलब कितनी है, उस हिसाब से वारंटी भी दी जाती है। आपने देखा होगा कि इसकी 5 साल वारंटी है, इसकी 10 साल है, इस हिसाब से देते हैं तो वह उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। दोस्तों जो छठा डायमेंशन है वो है सर्विसेबिलिटी, मतलब कि ये आपके प्रोडक्ट की रिपेयर और सर्विस से रिलेटेड, जिसमें आप कस्टमर को ये सुनिश्चित करवाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट की रिपेयर और सर्विस है वो हम समय पर करके देंगे, जिससे आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो। जो सातवां डायमेंशन है वो है एस्थेटिक, जिसको सौंदर्य बोलते हैं। दोस्तों जो एस्थेटिक होता है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट के सेल का। यह प्रोडक्ट के लुक से रिलेटेड है, आपका प्रोडक्ट का लुक कैसा है। आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो पहले लुक को देखते हैं, उसका लुक कैसा है, क्या वो हमारे लिए कंफर्टेबल है नहीं है, मतलब एक लुक होता है ना जो फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं, अगर अच्छा लग गया तो आप तुरंत ही ले लेते हैं, बाकी वो आप नहीं देखते कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। दोस्तों आठवां डायमेंशन है परसिव क्वालिटी, मतलब समझना। यह आपके कंपनी के रिप्यूटेशन के आधार पर डिपेंड है, मतलब कि आपकी कंपनी का रिप्यूटेशन कैसा है मार्केट में। कस्टमर के पास हमेशा पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, तो वो इस आपकी कंपनी के रिप्यूटेशन के हिसाब से, जैसे वो प्रोडक्ट लेने गया तो उसको पता है कि पहले तो वो आप सारा आपसे जानकारी लेगा, पिक्चर समझेगा, इंफॉर्मेशन उतनी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो समझता है, फिर दूसरे से कंपेयर करता है, फिर वो देखता है कि उसमें तो अच्छे फीचर हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका ब्रांड सही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं आजकल के दिनों में, ब्रांड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो आपकी कंपनी के मार्केट में रिप्यूटेशन है वो रिप्यूटेशन कैसे बनता है, जैसे आपकी कंपनी सब कुछ अच्छा दे रही हो, सब कुछ जैसे रिपेयर जो भी हो रहा सब टाइम पे करके दे रही हो, आपकी प्रोडक्ट की लाइफ भी अच्छी है, तो इससे आपकी कंपनी का रिप्यूटेशन बनता है। इस हिसाब से जैसे आप एग्जांपल में समझे, होंडा होंडा है, पहले होंडा कार बनाती थी, फिर धीरे धीरे उसने बाइक भी बनाना चालू कर दिया, तो उससे क्या हुआ, बाइक भी उसके बिकते हैं क्योंकि उसका ब्रांड का नाम है होंडा, क्योंकि होंडा की कारें अच्छी आती है तो बाइक भी अच्छी होगी। तो इस हिसाब से मार्केट में आपका रिप्यूटेशन अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे क्वालिटी के 8 डायमेंशन, जिसको मैंने आप लोगों से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, शेयर करें, लाइक करें ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।